हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूं, जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपका धन्यवाद कर सकूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहली यूज़फुल टिप। दोस्तों, जब हमें पैकेट से सामान निकालना होता है तो हम साइड से कट करके सामान निकाल लेते हैं, मगर कभी हमारे पास समय नहीं होता है या फिर कभी हमारे पास डब्बा नहीं होता है कि इसे हम सुरक्षित रख सकें, तो ये खुला रहने की वजह से इधर उधर गिरता रहता है। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप बता रही हूँ, तो इसके लिए आप ले लीजिए सेलो टेप, और सेलो टेप को आप जिस जगह कट की हैं उस जगह पर आप इसे लगा लीजिए। देखिए, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, जिस जगह कट लगा हुआ है उस तरफ हम सेलो टेप को लगा लेंगे और फिर दूसरे वाले हिस्से को हम इस तरह से मोड़ लेंगे। देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ उस तरह से आपको करना है। ये हमारा पैकेट एयर टाइट हो गया है, जो एक्स्ट्रा टेप है उसे आप फाड़ कर निकाल दीजिए। अब इसमें रखा हुआ सामान बाहर की तरफ नहीं आएगा और ना ही इसमें रखा हुआ सामान सिलेगा और ना ही ख़राब होगा। देखिए, मैं इसे कितनी तेज़ से हिला रही हूँ, मगर इसमें रखा हुआ सामान बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। और इसे आपको गैस जलाकर इसे चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दूसरी टिप हमारी प्याज से जुड़ी हुई है। प्याज हम डेली लाइफ में खाने में यूज़ करते हैं। जिस घर में 3 से 4 बार सब्जी बनती है उन घरों में 1.5 से 1 केजी प्याज यूज हो जाता है। हम क्या करते हैं, प्याज के छिलके का यूज़ ही नहीं करते हैं, इसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं। शायद ही किसी के काम आता होगा ये प्याज का छिलका, लेकिन आज हम इस छिलके से एक ऐसी चाय बनाने वाले हैं जिसे पीने के बाद आपके बहुत सारी समस्याओं के हल हो जाएंगे। इसके लिए आपको बिल्कुल भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर 2 प्याज के छिलके को उतार कर ले रही हूँ। तो इस तरह से प्याज का छिलका उतारिएगा, इसके अंदर के पल्प का हमें यूज़ नहीं करना है। आप इसे सब्जी या सलाद में यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्याज होता है ये खेतों में से आता है, काफ़ी लोगों के हाथों से लग कर हमारे पास आता है। कोशिश करिएगा इसे यूज़ करने से पहले आप एक वॉश कर ले। मैं आपको 2 ही प्याज का यूज़ करके बता रही हूँ। अगर आप इसे 2 या 3 मेंबर के लिए बना रहे हो तो प्याज के छिलके की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। 2 प्याज के छिलके से मैं आपको एक ऐसा लिक्विड बताने वाली हूँ, एक ऐसा ड्रिंक आपको बताने वाली हूँ जो आपके बहुत सारी समस्याओं का हल कर देगा। पहले इसको अच्छे से वॉश करना है, बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। जैसे बहुत बार हम विनेगर यूज़ कर लेते हैं, नमक यूज़ कर लेते हैं, पर यहाँ पर हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सिर्फ नॉर्मल पानी यूज़ करना है। इसमें लगभग 1.5 ग्लास पानी डालकर गैस के ऊपर रख देना है। 1 से 1.5 मिनट पहले हाई फ्लेम पर इसे रख देंगे, उसके बाद इसे 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। हमें बिल्कुल उसी प्रोसेस को फॉलो करना है जैसे कि हम चाय बनाते हैं, बस आपको यहाँ कुछ ऐड नहीं करना है। देखिए, ये हमारा लिक्विड बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे हम 1 ग्लास में स्टैंड कर लेंगे। इसे हमें इतना गर्म रखना है जितना कि हम चाय पीते हैं। अगर आपके घर में शुगर के पेशेंट हैं तब ये चाय आप उन्हें ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो चीनी वाली चाय नहीं पी पाते हैं। हार्ट के पेशेंट हैं तो उन्हें भी आप इसे दे सकते हैं। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी आप इसे पी सकते हैं। ब्लड प्रेशर इससे कम होता है, जिसको कैंसर है उनके सेल्स डैमेज होते जाते हैं। जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंटरनल सेल्स खत्म होते जाते हैं, तो उसकी रुकावट के लिए ये आपके काम आएगा। सबसे अच्छी बात है, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल आप इंसान हैं, तब आप इसे ले सकते हैं अच्छे डाइजेशन के लिए, और आपके पेट की चर्बी गलाने के लिए यानी कि फैट बर्न करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। शुगर पेशेंट के अलावा दूसरा इंसान इसे पीना चाहता है तो थोड़ा सा शहद ऐड कर सकता है। शुगर पेशेंट को इसमें शहद ऐड करके नहीं देना है, नॉर्मल हम प्याज यूज़ करते ही हैं। एक बार इस ड्रिंक को यूज़ करके देखिएगा, ये 100% वर्क करेगा। 2 बार आप इसे पी कर देखिएगा, अगर किसी तरह से आपके हेल्थ में फ़ायदा नहीं होता है तब आप इसे छोड़ सकते हैं, पर ये 100% वर्क करता है। हम खाने में प्याज ऐड करते हैं
कुछ एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ नहीं की है तो आपके हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दूसरी टिप हमारी कबाड़ से जुगाड़ को लेकर है। इसके लिए मैंने बोतल के दो ढक्कन को ले लिया है। अब इस ढक्कन में हम छेद करेंगे, तो इसके लिए मैंने चाकू को गर्म कर लिया है। इन दोनों ढक्कन पर हम चाकू की मदद से छेद कर देंगे। देखिए इस तरह से हमें इन दोनों ढक्कन पर छेद कर देना है और जो इसमें एक्सेस निकले होंगे उसे हम बराबर कर लेंगे। आप इसे चाकू की मदद से या फिर किसी और टूल की मदद से इसमें छेद बना सकते हैं। तो मैंने दोनों ढक्कन में छेद बना लिया है और जो एक्सेस निकले हुए हैं उन्हें हम बराबर कर लेंगे। इसे आप कैंची या चाकू की मदद से बराबर कर सकते हैं। तो दोनों ढक्कन के छेद पे जो एक्सेस निकले थे उसे मैंने चाकू की मदद से बराबर कर लिया है। अब हम एक बोतल लेंगे, तो इसके लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है जो कि काफ़ी मजबूत होता है। तो इसके ऊपर वाले हिस्से को हम कट कर देंगे। आप इसे चाकू की मदद से या फिर सीजर की मदद से कट कर सकते हैं। तो मैंने चाकू को गर्म कर लिया है और इसके ऊपर के भाग को कट कर दिया है। ऊपर के भाग को हम निकाल लेंगे और नीचे वाले भाग को हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसे मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। इस बोतल को भी हम कट करके बराबर कर लेंगे। ये हमारा टूल बनकर तैयार हो गया है, मगर अभी इसमें कुछ काम और बाकी रह गया है। अब हम इन दोनों ढक्कनों को आपस में चिपकाएंगे। तो इसके लिए मैंने फेविक्विक की मदद से इसे चिपकाया है। तो इसे पहले हम बराबर कर लेंगे। दोनों छेद हमें बराबर रखना है, उसके बाद फेविक्विक की मदद से इस ढक्कन को हमें चिपका लेना है। देखिए फेविक्विक लगाकर इस तरह से हमें ढक्कन को चिपका लेना है। फेविक्विक से ये बहुत ही जल्दी चिपक जाता है। अब इस ढक्कन को हम इस आधे कटे हुए बोतल में लगा देंगे। अब हम ले लेंगे एक बोतल जिसमें हमें पानी, तेल या फिर कोई लिक्विड चीज डालनी हो, उस पर हम दूसरा ढक्कन लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें लगा देना है। अब जब हम इसमें कोई लिक्विड चीज डालेंगे तो इधर उधर वो नहीं गिरेगा, वो बहुत ही आराम से बोतल में चला जाएगा। मैं आपको पानी डालकर दिखा रही हूँ, देखिए ये कितनी आसानी से चला जा रहा है। देखिए ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिरा है और पानी आसानी से बोतल में चला गया है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दूसरी टिप है लहसुन छीलने को लेकर। दोस्तों जब हम लहसुन छीलते हैं तो हमारे नाखूनों में दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से हमें लहसुन छीलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हम लहसुन छीलना जल्दी नहीं चाहते हैं। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ, जिसे आप ढेर सारे लहसुन एक साथ छील लेंगे और आपके हाथों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। इसके लिए आप ले लीजिए एक सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन से लहसुन के जड़ वाले भाग को हमें तोड़ देना है। देखिए इस तरह से तोड़ने से लहसुन हमारा बहुत ही आसानी से छिल जाता है। जब ऊपर की जड़ टूट जाती है तो नीचे छिलका उतारना काफ़ी आसान होता है। उसी जड़ को तोड़ने में हमारे उंगलियों में दर्द होता है, तो आप इसे सेफ्टी पिन की मदद से तोड़ दीजिए और इसका छिलका आसानी से उतार लीजिए। इस तरह से लहसुन छिलने में आपके हाथों में दर्द भी नहीं होगा और आप 5 मिनट में किलो किलो भर लहसुन छिलकर रख देंगी और आपकी उंगलियों में भी दर्द नहीं होगा। देखिए मैंने सेकंड में ही कितने लहसुन छिलकर रख दिए हैं। अब आप इसमें तेल की कोटिंग करिए और फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी टिप। दूसरी टिप के लिए हमें एक लोहे का तवा ले लेना है और उसे गर्म कर देना है। गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक पाउच शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं। शैम्पू देखिए कितनी जल्दी गर्म हो गया है। जब शैम्पू गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डाल देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। ये हमारा ऐसा सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इस सॉल्यूशन से इतनी अच्छी सफाई हो सकती है। देखिए दोनों का रिएक्शन कैसा हो गया। अब इसे हम थोड़ी देर तक तवे पर पकने देंगे। इसकी आंच को हम मीडियम करके थोड़ी देर तवे पर पकने देंगे। जब ये पक जाएगा तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए ये पक गया है, अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। इसे हम क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छी तरह से लेंगे। तो इसे मैंने एक बाउल में पलट लिया है, मगर अभी हम इसका काम नहीं लेंगे। जो तवे पर लगा हुआ है उस तवे की हम पहले सफाई करेंगे।
देखिए तवे पर भी काफ़ी सॉल्यूशन लगा हुआ है, तो हम स्टील वूल की मदद से पहले इसकी सफाई कर लेंगे। तो थोड़ा सा इस पर हम पानी डालेंगे और स्टील वूल की मदद से इसे साफ़ कर लेंगे। इससे आपके तवे पर लगी सारी चिकनाई ख़त्म हो जाएगी और जो गंदगी थी वो भी पूरी तरह से साफ़ हो जाएगी और तवा भी आपका बिल्कुल चमकने लगेगा, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग सोडा और शैम्पू का इस्तेमाल किया है। तो बेकिंग सोडा क्लिनिक का काम करेगा और शैम्पू से बहुत ही अच्छी शाइनिंग तवे पर आ जाएगी। देखिए ये पूरी तरह से साफ़ हो गया है। अब मैं इसे नॉर्मल पानी से धुलकर आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा साफ हुआ है। देखिए तवे की सारी चिकनाई चली गई और इसमें कितनी अच्छी चमक आ गई है। अब इस सॉल्यूशन का हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों इस सॉल्यूशन का हम इस्तेमाल करेंगे अपने उन कॉर्नरों पर जहाँ पर गंदगी जमी होती है। हम यहाँ डेली झाड़ू पोछा करते हैं मगर फिर भी हमारे कॉर्नर गंदे हो जाते हैं, तो इनकी सफाई हमें अलग से करनी पड़ती है। तो इस सॉल्यूशन से आप अपने कॉर्नर्स की सफाई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा और बिल्कुल चमकने लगेगा। तो थोड़े थोड़े सॉल्यूशन को हम कॉर्नर पर डाल देंगे और ब्रश की मदद से इसे साफ़ करेंगे। आप इसे अपने बाथरूम या फिर किचन में कहीं पर जहाँ पर टाइल्स वगैरह लगा हो वहाँ की सफाई आप इस सॉल्यूशन से करके देखिएगा। ये बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग का काम करता है। तो ब्रश की मदद से आप इसे रगड़ते हुए साफ़ कर लीजिए। जब सारी गंदगी साफ़ हो जाए तो यहाँ पर पानी डालकर इसे साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका टाइल्स या मार्बल्स बहुत ही अच्छी तरह से चमकने लगा है और जो भी गंदगी थी वो पूरी तरह से साफ़ हो गई। आप रिजल्ट खुद ब खुद देख रहे होंगे कि ये पहले कितना गंदा था और अब देखिए कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। रिजल्ट आपके सामने है, देखिए ये कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। तो जब भी आपके घर के कॉर्नर्स वगैरह गंदे हो गए हों तो आप इस सॉल्यूशन को बनाकर उसे आप साफ़ कर लीजिए। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों जब हम बाहर से पिज्ज़ा बर्गर वगैरह मंगाते हैं तो उसके साथ ये सॉस के पैकेट हमें मिलते हैं, तो हम इसे फाड़ते हैं और इसमें से सॉस निकाल लेते हैं। मगर जब हम हाथ से सॉस निकालते हैं तो इसमें से कुछ सॉस पैकेट में ही रह जाता है, वो पूरी तरह से नहीं निकलता है। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊंगी जिससे पाउच के सारे सॉस एक बार में ही निकल जाएगा। तो इसके लिए आप फॉर्क ले लीजिए और फॉर्क को आप बीच में डालिए और फॉर्क को हल्का सा तिरछा करिए। उसके बाद आप इसे आगे की तरफ ले जाइए। इस तरह से निकालने से सॉस एक बार में ही पूरा निकल जाता है और पैकेट आपका पूरा खाली हो जाता है। इस पैकेट में बिल्कुल सॉस नहीं बचा है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए।